किसी देश के राष्ट्रपति अपने मुल्क को छोड़ते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें गुरेश भाई आपके सामने हैं। ये तस्वीरें ठीक वैसी लगती है जैसे हिंदी फिल्मों में विलन ऐसे भागते हैं। आपने देखा होगा, मेरे को इन तस्वीरों को देख के ठीक वैसे ही लगा था कि जैसे हिंदी फिल्में होती हैं हमारे यहाँ, उन हिंदी फिल्मों में विलन ऐसे ही भागते हैं। और श्रीलंका में माननीय राष्ट्रपति भी वैसे ही भाग रहे हैं। किसी भी देश के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। ये घटनाक्रम दुखद है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया। सवाल ये कि क्या वाकई में जिस देश में मीडिया सत्ता पक्ष के हाथों बिक जाता है, वहां अंदर की असल खबरों से वो बेखबर हो जाता है। जनता को अचानक एक सुबह पता लगता है कि देश बर्बाद हो गया। क्या कुछ वैसी तस्वीरें नहीं आई? देश बर्बाद हो गया ये चीज तो काफी लंबे समय से दिख रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि आज ये हमको देख के दिख रहा है। ये तो जो है ना, ये इस चीज शिखर की चोटी है और आप अब चोटी के नजारे देख रहे हो। धर्म के नशे में डूबे हुए थे सारे कि नहीं? देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। ये तस्वीरें चल रही हैं, इसके पीछे दिखाने का एक मकसद ये है गुरेश भाई, इन तस्वीरों को देखिए। श्रीलंका के अर्थतंत्र को बर्बाद करने वाले राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें बताई जा रही हैं। हमारे देश के कई लोग इसे देखकर विचलित हो सकते हैं, मैं जानता हूं। दरअसल ये जनाक्रोश गवाह है कि भूख और बेरोजगारी का जब आकार बढ़ता है तो सब्र का बांध टूट जाता है। क्या इसमें हमारे लिए कोई सबक है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप नेताओं को बुरा बोले, भला बोले, कुछ भी कहें, नहीं, मैं क्यों नेताओं को बड़ा बुरा बोलूं? मैं कह रहा हूं किसी भी देश के लिए अच्छी नजीर नहीं है, दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। मैं ये कह रहा हूं है कि जो पड़ोस के घर में आग लगी हुई है वो हमारे घर में ना पहुंचे, उससे पहले हम उसे बुझा दें, हमारी चिंता ये है। हम ये नहीं कह रहे कि हम भैया श्रीलंका जिस कगार पर है हिंदुस्तान भी उस कगार पर खड़ा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंता वाजिब है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। हमने कहा मेक इन इंडिया और हमने कहा आत्मनिर्भर भारत। मैं एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, अपने एक्सपोर्ट व्यापार घाटा। इस व्यापार घाटे के हिसाब से अगर मैं समझूं और देखूं, इस साल जून में देश में 63 अरब का आयात किया गया और निर्यात कितना हुआ, जो पिछले साल के जून के मुकाबले 51% ज्यादा, यानी कि इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। देश में व्यापार का जो घाटा है जून में 2022 में 25 अरब को क्रॉस कर गया और जून 2021 में यह था 9 अरब के आसपास, 9.5 अरब के आसपास। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो नारे हैं, जो दावे हैं, उनके बीच में सवाल यह कि देश का आयात और व्यापार घाटा तेजी से क्यों बढ़ा? सवाल यही है। ये आपके सामने आंकड़े, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आप ही के हैं गुरेश भाई, प्लीज। यही कह रहे थे ना आत्मनिर्भर भारत आप, तो फिर हमारा आयात और निर्यात आपके सामने आंकड़ा। इस आंकड़े में कोई गलती नहीं, आंकड़ा सही है, लेकिन यदि आप इस आंकड़े को ब्रेकअप करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मेजर जंक जो गया है, जिसकी वजह से इजाफा हुआ है, ये एनर्जी इंपोर्ट की वजह से हुआ है। क्योंकि हम एनर्जी सरप्लस देश नहीं है, हम एनर्जी डिफिसिट देश है और हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी। गुरेश भाई आप जो बात कह रहे हैं, मैं प्लीज माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं, रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले। हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। ये फैसला $25 बिलियन तक जा पहुंचा है, फासला $25 बिलियन, ये $25 बिलियन के आसपास पहुंच गया। मैं ये कह रहा हूं नहीं, ये आपके सामने है, ये देश में व्यापार का घाटा आपके सामने, देखिए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। आपका कहना सही है कि जब भी रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले तो फिर इंपोर्ट का वेट बढ़ जाता है हमारे लिए, लेकिन मैं समुची पैनल से जो बिलियन का फासला है $25 बिलियन ऐसा कंप्लीट तो कर लेते मुझे, लेकिन मैं पूरी पैनल से ये पूछना चाहूंगा, दुनिया की एक करेंसी बता दें आज के समय जो डॉलर के मुकाबले राइज की हो, गिरी नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार का आप यदि बात करेंगे तो मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कर्जा लेकर फ्री भी कभी नहीं बांटी,
केंद्र की सरकार जितना पैसा आता है उसका बजटरी एलोकेशन करके ही कुछ बांटती है जिसको भी बांटा जाता है। प्लस हमने एक चीज और भी आप देखी कि श्रीलंका नहीं, में नहीं, 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 नहीं। आप ये कह रहे हैं हम फ्री में कुछ नहीं बांटते, आप यही कह रहे हैं ना? गलत। आप देश में फ्री कुछ नहीं बांटते ना। देखिए आप अभी यदि आप शब्दों को पकड़ के कुछ नहीं, नहीं मैं शब्दों को नहीं पकड़ रहा गुरेश भाई, आप ही ने कहा कि हम मुफ्त में नहीं देते कुछ। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम उधार का पैसा लेकर रेवड़िया नहीं बांटते। अच्छा यही कहावत हुई ना कि हम कर्ज लेकर घी नहीं पीते हैं, यही समझा रहे हो ना मुझे? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, कर्ज लेकर घी नहीं पिया जाता। ना ना ना, एक मिनट, फिर वो कौन सा कर्ज चुकाने के लिए हम अपनी जो है संपत्तियों को बेचते हैं? नहीं, कोई कर्ज के लिए नहीं किया जाता, हमने संपत्तियों को नहीं बेचा। बड़ा स्पष्ट बात है, 2014 से 2022 में हमने कोई संपत्तियों को नहीं बेचा। आप मुझे ये कह रहे हैं जो हमारी अपनी संपत्तियां थी। आप पीएसयू की बात करेंगे तो हम तो बड़ा स्पष्ट शुरू से कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और हम मानते हैं कि हम पूंजीवादी पार्टी हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ पीपीई नोट पे दे दोगे आप? पीपीई नोट पे व्यापार करने का नहीं होता, जिस जिसकी सरकार व्यापारी उसकी जनता भिखारी, मत बोलिए इस चीज को। क्या बोला आपने? जिसकी सरकार व्यापारी उसकी जनता भिखारी, जिसकी सरकार व्यापारी उसकी जनता भिखारी, भिखारी। ये है जो बात आपने कही कि भैया जो सरकार है व्यापारी जनता भिखारी, तो ये कह रहे हैं कि भाई दो व्यापारी तो आपकी सरकार चला रहे हैं, तो सरकार तो आपकी व्यापारियों की हुई। देखिए हम एक जो था संजीदा बहस कर रहे थे, और ये पॉलिटिकल रेटोरिक है जो हमारे मित्र ने